एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुरु तो बैंक शादी कराएगा मुझसे। अरे तेरे को दिखता नहीं पैसा कितने आदमी है। क्या सलमान खान फिर से दिखाएंगे अपना जलवा वांटेड 2 में? क्या वांटेड 2 भी होगी रोहित शेट्टी फिल्म्स का पार्ट? क्या वांटेड 2 नहीं बल्कि होगी वांटेड अगेन? हेलो एवरीवन, नए जैसे का मैं रुला स्वागत करती हूँ आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा मेरा ही जलवा। किसका होने वाला है ये जलवा? क्या सलमान दिखाने वाले हैं अपने डांसिंग टैलेंट को? वांटेड 2 के आने की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में मेकर्स हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। मूवी का पोस्टर, मूवी की कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ डिसाइड हो चुका है। फिलहाल मूवी की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स ने सबसे पहले गानों की शूटिंग खत्म कर लेने का सोचा है। जी हाँ, वांटेड 2 मूवी का फेमस सॉन्ग जलवा होने वाला है रिक्रिएट। ऐसे में ये गाना ओरिजिनली वाजिद ने गाया था, लेकिन 2020 में उनकी मौत के बाद ये गाना शायद मिल्खा सिंह को दे दिया जा सकता है। जी हाँ, इस गाने का बैकग्राउंड एक बार फिर साझा देंगे, क्योंकि ये उनका उनके वाजिद के लिए काइंड ऑफ ट्रिब्यूट होगा। वाजिद के बाद आज तक 20 बार साजिद ज्यादातर मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनका लॉस तो कोई रिकवर नहीं कर सकता। सलमान की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद साजिद ये करना चाह रहे हैं वो जल्द ही इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इस रिकॉर्डिंग को कोरियोग्राफ गणेश आचार्य करने वाले हैं और डायरेक्टर प्रभुदेवा भी इस गाने में सलमान के साथ दिखेंगे। प्रभुदेवा के साथ गणेश आचार्य ने ABCD और ABCD 2 में काम किया है और हाल ही में पुष्पा 2 के गाने वंजवा में गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी से दोनों प्रभुदेवा और सलमान खान काफी इंप्रेस्ड है। इसीलिए उनके अलावा इस गाने को कोई भी और कोरियोग्राफ नहीं करेगा। ये मूवी के सेट्स पर ही शूट किया जाएगा और ये मूवी की सबसे पहली शूटिंग शेड्यूल होगी। इसे गणेश आचार्य अपने गणेश आचार्य डांस स्टूडियो में ही सिखाएंगे, जिसके लिए खुद सलमान खान वहां आएंगे। पूरी कोरियोग्राफी के बाद ही एक्चुअल सेट पर फाइनल शूट किया जाएगा सॉन्ग का। गणेश सलमान को ध्यान में रखते ही कोरियोग्राफी करेंगे ताकि उन्हें अच्छे स्टेप्स मिल पाए। सलमान भी काफी एक्साइटेड हैं एक बार फिर गणेश के साथ मूवी में काम करने के लिए और हम भी होप करते हैं कि इनका ये कॉम्बिनेशन इस बार भी जलवा हमें दिखा ही देगा और हमें एक बार फिर इम्प्रेस कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या गाने का हुक स्टेप किया जाएगा चेंज? कमेंट करके हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबरें आ रही थी कि राधे ही वांटेड 2 है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मूवीज में सिमिलर पॉट हमें दिखाया गया, बट एंड तक जाते जाते वो डाउट भी क्लियर हो गया। अब जब एक्चुअल वांटेड 2 की खबरें आई हैं तो समझ आ रहा है कि बहुत सी गॉसिप बाहर आएगी। बोनी कपूर कर सकते हैं मूवी प्रोड्यूस और बोनी ने ही मूवी का सजेशन भी दिया था, इसलिए सलमान खुद ना प्रोड्यूस कर ली अपॉर्चुनिटी बोनी कपूर को दे रहे हैं इस बार। ऐसे में वांटेड 2 रोहित शेट्टी की फिल्म होगी या नहीं, आइए अब हम ये जानते हैं। रोहित शेट्टी मूवी में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। जी हाँ, कुछ एक्शन बेस्ड सीन्स रोहित की टीम से करवाए जाएंगे। जी हाँ, रोहित की स्टंट टीम को वांटेड 2 के लिए यूज किया जाएगा। रोहित शेट्टी को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी स्टोरी या उनके एक्शन कोरियोग्राफर्स उनकी स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उनके वर्कर्स को मूवी में परफॉर्म कराया जाएगा, जिसकी वजह से वांटेड 2 के एक्शन सीन्स भी सुधारे जा सकते हैं। मेकर्स अब मेडियोकर मूवी नहीं बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ये स्पेशल अरेंजमेंट करने का सोचा है। वांटेड 2 का नाम बदला जा सकता है। जी हाँ, वांटेड 2 बन सकती है वांटेड अगेन या वांटेड रिटर्न्स के नाम से। दरअसल मूवी लीगल प्रोसीजर्स में फंस गई है, हॉलीवुड मूवी वांटेड 2 होल्ड पर चली गई है, इसीलिए मेकर्स को यहाँ पर भी राइट्स लेने में हो रही है अब दिक्कत। वो इसीलिए क्योंकि हॉलीवुड मूवी वांटेड 2 कंप्लीट पेटेंट नहीं ले पाई है, इसीलिए वो केस बीच में ही है, इसलिए यहाँ पर मूवी को राइट्स मिलना हो रहा है काफी मुश्किल। देखना ये होगा कि कैसे मेकर्स इस मूवी के नाम के राइट्स हॉलीवुड से छीन लेते हैं और आखिर में मूवी किस नाम से होती है रिलीज। तब तक आप हमारे चैनल को ढेर सारे लाइक दीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।